सुजानपुर शहर में बढ़ रहे पोलोथीन प्रचलन को लेकर सुजानपुर प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन चालान किए। सुजानपुर प्रशासन की दोपहर के बाद हुई इस कार्रवाई से व्यापार मंडल में हड़कंप मच गया। उधर इस मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जहां व्यापारी वर्ग को पोलोथीन के प्रयोग न करने को कहा और साफ सफाई स्वच्छता अभियान को अपनाने एवं अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर कूड़ा दान रखने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर एकाएक सुजानपुर प्रशासन जिसमें एसडीएम सुजानपुर शिव देव सिंह, नगर परिषद अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर एवं सुजानपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सुजानपुर बाजार की दुकानों का औचक निरीक्षण करना शुरू किया और निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानों के भीतर प्रवेश करके पोलोथीन की खोजबीन की। दुकानों के भीतर बने काउंटर दराज सभी का निरीक्षण किया। इस मौके पर सुजानपुर प्रशासन ने 6 दुकानदारों के चालान करके जुर्माना वसूला। चालान प्रतिबंधित पोलोथीन को अपनी दुकानों के भीतर रखने को लेकर किए गए हैं। जो भी पोलोथीन पाया गया पड़ोसी राज्य पंजाब से हिमाचल पहुंच रहा है। इस मौके पर अधिकारियों ने शहर में फैली गंदगी को लेकर दुकानदारों को जमकर लताड़ लगाई। मुख्य बस स्टैंड पर खानपान की दुकानों से मिलने वाले दूषित पानी को लेकर ढाबा मालिकों की क्लास लगाई गई। निर्देश दिए गए कि नगर परिषद की नाली में किसी भी तरह का अनाज सब्जियां नहीं मिलनी चाहिए। जिस दुकान के आगे इस तरह का सामान वेस्ट चीजें मिलेंगी उसी दुकानदार का चालान किया जाएगा। एसडीएम सुजानपुर ने सभी दुकानदारों को एहतियात के तौर पर कहा कि दुकानों के बाहर कूड़ादान रखना सुनिश्चित करें। सुजानपुर प्रशासन का औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। उधर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर ने अतिक्रमण करने वालों को भी निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी अपनी दुकानदारी अपनी अपनी दुकानों के भीतर ही सजा कर रखें, कोई भी सामान सड़क पर ना सजाएं। अगर दोबारा ऐसा पाया गया तो मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। ये जो कल हमने पूरे 3 हटाओ अभियान चलाया है और स्वच्छता अभियान चलाया है, ये हमारा 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और ये जो दुकानदार अपनी दुकान के आगे सार्वजनिक नालियों में गंदगी फैला रहे हैं, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, उनके भी चालान जो है किए जाएंगे। और कल जिन दुकानदारों के पास अवैध रूप से पॉलीथीन के लफाफे मिले हैं उनको जुर्माना डालकर दंडित किया गया है। और भविष्य में भी अगर किसी दुकानदार के पास इस तरह पॉलीथीन के लफाफे जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं पाए जाते हैं तो उनके प्रति भी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ग्राउंड में जो हम सफाई व्यवस्था जो है वो समय समय पर मेंटेन करवा रहे हैं। ये ग्राउंड जो है ये एसडीएम कार्यालय के अधीन है और सारा उनसे इसकी वसूली जो है वो एसडीएम कार्यालय द्वारा की जाती है, परंतु हम फिर भी इसका जैसे ही हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम अपने सफाई कर्मचारी भेजते हैं और ग्राउंड की सफाई करवाते हैं।